शिवलिंग की पूजन करी और पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर कर उन्होंने मांगा, भोलेनाथ जी से प्रार्थना करी। बाबा देवाधिदेव महादेव सामने प्रकट हुए, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। मेरे तीन वर है, अंजना माता कर रही, मेरे तीन वर। पहला वर, मुझे आपके समान पुत्र चाहिए। शिव जी ने कहा, मेरे समान कहां ढूंढने जाऊंगा, मैं ही तेरे घर में आ जाऊंगा, कहां ढूंढूंगा। शंकर भगवान बोले, मैं कहां मेरे समान ढूंढने जाऊंगा, मैं खुद तेरे यहां आऊंगा, कहां ढूंढूंगा। फिर कहा, मेरा पुत्र जो हो अधिक बलवान हो, अधिक बलवान। शिव जी ने कहा, जब मैं स्वयं आ गया तो बल तो है। तीसरा जो माता अंजना देवी ने भगवान शिव से मांगा है, शायद दुनिया की हर मां को भगवान के सामने झोली पसार कर मांगना चाहिए। अंजना माता ने भगवान शिव से कहा, मेरा जो पुत्र हो वो विनम्रवान हो, उसमें विनम्रता होना चाहिए। दुनिया की सारी माता को भगवान के सामने झोली पसार कर मांगना चाहिए कि मेरे घर में जो पुत्र जन्म दे वो विनम्र हो। कारण, बल तो असुरों में भी होता है, बोलो होता है कि नहीं होता। बल तो राक्षस में भी होता है, असुरों में भी होता है। सत्ता तो असुरों की भी होती है, सिंहासन तो असुरों का भी होता है, पर असुरों में राक्षसों में विनम्रता नहीं होती। और इस भारत की भूमि पर यदि हनुमान जी महाराज को आज पूरा संसार पूजता है तो केवल एक कारण से पूजता है, हनुमान जी को विनम्रता बहुत है, उनमें नम्रता बहुत है। उनमें कितनी विनम्रता होगी, उनमें कितनी विनम्रता का सुख होगा, कितनी विनम्रता और कितनी विनम्रता का सुख श्री हनुमंत लाल जी के जीवन में, कितनी विनम्रता का सुख होगा, जरा विचार करिए, विचार करिए। अब किसी ने कहा, हनुमान जी में विनम्रता कहां दिखी, तो हम कहते हैं जिस समय पर सीता जी का पता लगाने के लिए जा रहे थे, जब माँ जानकी जी का पता लगाने चले तो हनुमान जी को क्या कहते हैं, अष्ट सिद्धि नव निधि के असबर दीन और राम रसायन तुमरे पासा सदा। कितना सुंदर कहा गया, तुम में अष्ट सिद्धि है, नव निधि है। कितनी, जम के बोलिए जरा, अष्ट सिद्धि नव निधि कितने हो गए दोनों मिला के, बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, 17। हनुमान जी से कहा यह अष्ट सिद्धि, माता जानकी से जब मिलने गए थे तो माता जानकी ने हनुमान जी को कहा था, मैं तुम्हें क्या वर दूं, अष्ट सिद्धि देती हूं नौ निधि देती हूं। सीता जी कह रही है, मैं तुम्हें अष्ट सिद्धि देती हूं नौ निधि देती हूं। हनुमान जी ने कहा, ये 17 लफड़े मेरी जिंदगी में मत पाड़ो। कितने लफड़े, 17। आप लोग जब आपस में बात करते हो ना तो बात बात में बहुत सारे लोग कह देते हैं, अरे बहुत 17 लफड़े जिंदगी के चल रहे हैं। कोई पूछे तुमसे 17 लफड़े कौन से, ये वही हैं अष्ट सिद्धि नव निधि के, ये 17 लफड़े जिंदगी में चलते ही रहते हैं। नहीं चाहिए, विनम्रता देखी है श्री हनुमान जी महाराज की। उनको शंकर सुमन क्यों कहते हैं, माता अंजना ने मांगा, मां अंजना देवी ने कहा कि मेरे को वर देना, मेरा बेटा जो हो वो विनम्र हो। शंकर जी कहते हैं, विनम्रता किस लिए, तो अंजना माता कहती हैं, बलवान व्यक्ति
वीर व्यक्ति, सिंहासन पर बैठने वाला व्यक्ति, राजसी ठाट में रहने वाला व्यक्ति एक दिन मरकर चला जाता है। मरकर चले गया तो 2 साल 4 साल 6 साल 8 साल उसको लोग पूजते हैं, उसके बाद कोई नहीं पूछता। पर कोई विनम्र व्यक्ति है, अगर चला जाता है तो मरने के बाद भी पूजाता रहता है, उसकी विनम्रता। हनुमान जी को शंकर सुमन कहा गया क्योंकि विनम्रता का लक्षण श्री हनुमंत लाल जी के पास विनम्रता की। कितनी विनम्रता, जरा देखिए हनुमान जी की विनम्रता। शंकर सुमन क्यों कहते हैं हनुमान जी को, उनकी विनम्रता देखिए। जब सीता जी का पता लगाने जा रहे हैं तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता श्री हनुमान जी महाराज बूढ़े जामवंत से कह रहे हैं कि आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूंगा, लंका में जाकर क्या करना है मुझे, कैसे जाना है मुझे, क्या करना है मुझे। इतना बुद्धिमान श्री हनुमंत लाल और बूढ़े जामवंत से पूछ रहे हैं कि मैं क्या करूंगा वहां जाकर, मतलब उनकी बहुत विवेकी जो व्यक्ति होता है जिसमें बहुत बुद्धि होती है वो हमेशा झुक कर चलता है, छोटा बन कर चलता है। इसलिए हनुमान जी महाराज विनम्र बन गए। आप बताओ मुझे करना क्या है। जो बहुत विनम्रवान व्यक्ति होगा, जिसमें विनम्रता होगी, वो कभी अपना बखान नहीं करता। विनम्र व्यक्ति कभी अपना बखान नहीं करता। आप में से कोई व्यक्ति अगर लंका चले गया होता सीता जी का पता लगाने, तो 25 बार माइक लेके चिल्ला चिल्ला के बोलता, मेरे को पहचानते हो, मैं लंका गया था सीता का पता करने। आप और हम में से कोई भी अगर सीता जी का पता लगाने चले गया होता तो 50 बार चिल्ला चिल्ला कर कहता, मैंने सीता जी का पता लगाया, मैं लंका में आग लगा कर आया, मैंने ये करा, मैंने वो करा, पूरा अखबार भरा गया होता, पूरी सोशल मीडिया भरा गई होती कि तुमने ये करा। पर हनुमान जी ने, जब राम जी ने पूछा हनुमान से, हनुमान सीता का पता तूने लगाया, हनुमान जी बोले, नहीं प्रभु मैंने नहीं लगाया, जामवंत पास में खड़े थे उनने कहा इसी ने लगाया। राम जी ने पूछा हनुमान पता तूने लगाया, हनुमान जी बोले नहीं प्रभु मैंने नहीं लगाया, जामवंत पास में खड़े तो ने कहा इसी ने लगाया। फिर राम जी ने पूछा हनुमान तू लंका गया था, हनुमान जी बोले मैं नहीं गया, इतने में जामवंत पास में खड़ा था ये ही गया था। फिर राम जी ने पूछा हनुमान लंका में आग तूने लगाई, हनुमान जी बोले मैंने नहीं लगाई, इतने में जामवंत में ही खड़ा था इसी ने लगाई। इतने में राम जी बोले हनुमान सीता का दर्शन तूने किया, हनुमान जी बोले मैंने नहीं किया, इतने में जामवंत बोला इसी ने किया। अब इन दोनों के झगड़े में राम जी को गुस्सा आ गया, राम जी को गुस्सा आ गया तो तूने नहीं करा तो क्या मैंने करा। इतने में हनुमान जी बोले बस आपने किया है, मैं तो निमित्त था, केवल निमित्त, जो कर रहे थे आप कर रहे थे, लंका गए आप, भेजा मुझे आपने, दर्शन किया आपने, आग लगाई आपने, मैं तो केवल निमित्त था, आज आपने सत्य कह दिया, क्या मैंने करा, बिल्कुल सत्य है आपने किया। करते हो मेरे बाबा मेरा नाम और प्रभु आपकी कृपा से सब। शंकर सुमन का मतलब शिव विनम्रता दे दें, शिव विनम्रता दे दें, यह शंकर सुमन का लक्षण है। कितनी विनम्रता श्री हनुमान जी महाराज में होगी जरा विचार करिए। चढ़े कितना बल है हनुमान जी महाराज में, जिस पत्थर पर लात रखा वो पत्थर नीचे दब गया, जिस पत्थर पर लात रखा वो पत्थर नीचे दब गया, पत्थर दब गया नीचे, पत्थर नीचे। चले बीच में मिल गई सुरसा, मैं तुझे खाऊंगी, हनुमान जी बोले देख मेरे पास में टाइम नहीं है री, ए सुरसा तू कह रही मुझे खाएगी पर मेरे पास भी तो टाइम होना चाहिए, काम करना, मैं जब घूम फिर के आ जाऊं तब खा लेना। सुरसा बोले मेरे पास भी टाइम नहीं, मैं तो अभी खाऊं, मैं तुझे अभी खाऊंगी। हनुमान जी बोले मैं जरा
लंका होकर आ जाऊं तब खा लेना। नहीं ना ना ना, मेरे पास, हनुमान जी बोले देख मेरे को बहुत सारी फाइल निपटाना है, बहुत सारा काम पड़ा है, लंका तक जाना है, फालतू के लफड़े मत कर सुरसा, तेरे हाथ जोड़ो मुझे जाने दे। सुरसा के नहीं, बिना खाए तो नहीं जान दूंगी। तो हनुमान जी बोले अब खा ही ले तू, ले का मुंह फैला, उसने मुख को फैलाया। एक योजन का मुख मतलब 8 मील एक योजन में होता है, 8 मील एक योजन का मुख फैला लिया हनुमान जी। एक योजन का जैसे ही हनुमान जी ने अपना स्वरूप बनाया, सुरसा ने 2 योजन मुख फैलाया। हनुमान जी 2 योजन के हुए तो सुरसा ने फिर योजन बढ़ाते बढ़ाते वो 4 योजन का मुख बनाया। हनुमान जी 8 हो गए, 8 बनाते 16 हो गए, 16 से 32 हो गए, 32 पे सुरसा 64 योजन का मुख फैलाती। हनुमान जी छोटे होके मुंह में से प्रवेश कर कर बाहर खड़े हो गए और खड़े होकर सीताराम 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 करने लगे। सुरसा बोली क्यों रे मुंह में नहीं गया? हनुमान जी के घूम फिर के वापिस आ गया। सुरसा ने कहा तू घूम के आया अंदर? हाँ। मुख में गया था? हाँ। मेरा मुंह देखा है तूने अंदर से? हाँ। 32 दांत में से 4 दांत तुम्हारे लंबे हैं, बाकी के सब छोटे हैं। सुरसा बोली फिर तो पक्का घूम के आया है, पक्का घूम के। देखो इतना वीर, इतने वीर होने के बाद, इतने बलवान होने के बाद, प्रबल वीर होने के बाद भी हनुमान जी के विनम्रता देखिए। सुरसा को हाथ जोड़कर जा रहे हैं, नहीं तो ये राक्षसी थी, इसको हाथ जोड़ने की जरूरत क्या थी, पर हाथ जोड़कर जा रहे हैं, मैं जा रहा हूं। नम्र है, विनम्र है। बल हो तुम में, कुर्सी हो तुम्हारे पास, सत्ता हो, कहीं के भी तुम कोई भी अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, चाहे किसी पद पर बैठे हो, चाहे कुर्सी हो, चाहे पद हो, प्रतिष्ठा हो तुम्हारे पास में, कितनी भी डिग्रियां तुम्हारे पास में हो, चाहे तुम किसी भी पद पर विराजमान हो, कोई भी डिग्री, चाहे डॉक्टर की हो, चाहे तुम्हारे पास में इंजीनियर की डिग्री हो, चाहे CA की डिग्री हो, तुम कितनी भी डिग्रियां तुम्हारे पास में रख लीजिए, अगर विनम्रता की डिग्री तुम्हारे पास में नहीं है तो तुम किसी काम के नहीं हो। विनम्रता की डिग्री होना चाहिए, विनम्रता होगी तो बात है ना। अब तुम तो सोचो मेरे